हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी से। एसएससी से सीजीएल लेवल का एग्जाम है। तो ये आपका 2 दिसंबर 2 मार्च को हुआ था, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का ये एग्जाम है। टायर 2 का एग्जाम है, ठीक है। और पेपर 1 में हम जो कर रहे हैं वो आपका मैथ और रीजनिंग है। जो पेपर 1 का जो पैटर्न है वो मैथ और रीजनिंग का है। तो रीजनिंग हमने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैथ के क्वेश्चंस चेक करेंगे किस तरह से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चेक करते अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। बोला कि देर आर 3 टाइप ऑफ डायमीटर, इतना इतना इतना, ठीक है। रेशियो ऑफ द वॉटर फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वेयर ऑफ देयर डायमीटर। तो ये जो हमने आपको फिल करने के लिए जो इनका रेशियो है डायमीटर का, स्क्वेयर उनके स्क्वेयर के रेशियो के इक्वल आ जाएगा। और बिगेस्ट टैप जो है, फिल एन एम्प्टी टैंक अलोन इन 81 मिनट। अगर बड़ी टैंक जो हो आपकी 81 मिनट में फिल कर देती है तो टैप आर ओपन साइमल्टेनियसली, देन हाउ लॉन्ग विल टेक टैंक टेक, मतलब मिनट ही पूछा है कि टाइम आपका कितना लगने वाला है, तो वो हमें बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक हिंट दी गई है क्या, कि जो मतलब बिगेस्ट टैप है वो खाली टैंक को अकेले 81 मिनट में फिल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो एफिशिएंसी बोला गया है, कि यहाँ से जो एफिशिएंसी इसके क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एफिशिएंसी है वो क्या है, इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वेयर ऑफ द डायमीटर, ठीक है। अगर अपने पास 3 टैप है, मान लो ए बी सी, इनका जो डायमीटर है वो 2, 3 एंड 4 है, लेकिन इनकी जो एफिशिएंसी दे रखी है, जो ये काम कर रहे हैं, ये कितने के बराबर है, इनके डायमीटर के स्क्वायर के बराबर है, राइट राइट। ये आपकी क्या है, इफिशियंसी है, मतलब काम करने की क्षमता है, ठीक है। अब बोला है कि देखो, पहले इसका हम 4 ले लेते हैं, ये आपका 9 हो जाता है, ये आपका 16 हो जाएगा। अब देखो कि बोला है कि जो बड़ा वाला बिगेस्ट टैप, बड़ा वाला टैप जो है वो 81 मिनट में अकेला कर रहा है, मतलब 16 वाला जो सी टैप है वो क्या कर रहा है, पूरे को पूरे 81 मिनट में फिल करेगा। तो इफिशियंसी 16 है और 81 क्या है इसकी, टोटल मिनट हो जाएगी, राइट ओके। तो बोला कि अगर सभी को ओपन कर दें तो टैंक जो है वो खाली कितना में भरेगा। तो ये जो आपका ये टोटल वर्क हो जाएगा और ये आपकी एफिशिएंसी है, टाइम बताना है। तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी टोटल कितनी है आप चेक करोगे तो 16 और 4 20 और 9 29 हो जाएगी, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट करना है। तो 29 16 गुना 81 कर दो, 16 एकम 16 और 16 8 कितना होता है भाई, 128, और 128 और 1 129/29 हो जाएगा। तो ये कितना चला जाएगा, भाई हम 30 मान लेते हैं, 29 को जगह 30 मान लेते हो, तो 30 गुना 4, 3 गुना 4 है, तो 4 के लगभग है। देख लो आप, देखो सिर्फ देखो मैंने क्या किया, इस 29 को अप्रोक्स माना 30 के, ठीक है, और इस 3 को डिवाइड किया इस 12 से, तो 4 के लगभग आंसर आया, मतलब स्टार्टिंग डिजिट जो होगी वो 4 होगी। तो सिर्फ इसमें 4 नहीं कट करो, इसमें स्टार्टिंग डिजिट 4 नहीं कट करो, इसमें स्टार्टिंग डिजिट का 4 नहीं कट करो, इसमें आपकी है, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मजा भी आएगा और टाइम भी आपका बहुत कम कैलकुलेशन में लगने वाला है, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस के लिए आप इसको खुद सोल्व करके देखेगी क्या ये फोर्थ ऑप्शन राइट होगा या नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं आपका। बोला कि 2 नंबर है, ठीक है भाई, 10% और 25% ज्यादा है थर्ड नंबर से, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। यहां पर मैंने तीनों नंबर को लिख लिया। थर्ड नंबर से ज्यादा है तो इसका मतलब थर्ड नंबर में 100 मान लेता हूँ। फर्स्ट नंबर है जो वो 10% है ज्यादा, तो ये आपका 110 हो गया। सेकंड नंबर है वो 25% ज्यादा है, तो 100 से 25% ज्यादा करोगे तो 125 हो जाएगा। बोला कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों के रेशियो का बीच बताना, तो इन दोनों का रेशियो बताना आपको, ठीक है। इतना काम आपने करना है, 5 से कट करोगे तो 22, 5 से कट करोगे तो 25। बहुत आसान क्वेश्चन था, जल्दी सोल्व हो गया, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ए बी सी इन्वेस्ट करते हैं और किसी टाइम पीरियड, यहाँ पर टाइम का रेशियो दिया गया है इतना, और रेशियो ऑफ प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट जो दिया गया है वो इतना दिया गया है।
तो क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एपीसी हमें निकालनी है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है एक्चुअली में, इन्वेस्टमेंट सॉरी प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट जो होता है वो आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ठीक है, टाइम के साथ साथ जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे कुछ प्रॉफिट निकल कर आता है, तो ये आपका प्रॉफिट का फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर। और हमें तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट को ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो प्रॉफिट सॉरी यहाँ प्रॉफिट अपॉन टाइम आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम, ए बी और सी इनका प्रॉफिट निकालना है। तो देखो प्रॉफिट कितना दे रखा है, 4 3 14, 4 3 14, और इनका जो ये टाइम दे रखा है 3 2 7, इसको डिवाइड कर दो 3, इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ओके, तो ये आपका कट हो जाएगा 2:1 में आ जाएगा। राइट, तो नीचे वालों के एलसीएम ले लो आप, 4 2 और 1 का एलसीएम ले लो तो 6 आ जाएगा, और 6 को जब हम कैलकुलेट करेंगे, 6 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सभी के साथ 6 की मल्टीपल करा दो, एलसीएम इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सभी के साथ 6 की इक्वल करो तो ये 8 आपका, 8 ये आपका कितना हो जाएगा। वैसे आपको आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ए स्टार्टिंग में 8 दिखाई दे वो आपका राइट आंसर है, इसमें नहीं है कट करो, इसमें नहीं कट करो, इसमें नहीं कट करो, ये आपका राइट आंसर दे देगा। और बाकी कैलकुलेशन करने के लिए आप अपने आप खुद को प्रैक्टिस के लिए खुद सॉल्व करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपका, बोला कि एक बाइक जो है वो सोल्ड की गई इतने में, डिस्काउंट इतना है एमपी पर, तो एमपी निकालना है। अगर मैं एमपी को 100 मान लेता हूँ, कंप्लीट 100 मान लेता हूँ, इस पर 44% का डिस्काउंट दे दिया, अगर मैं एमपी को क्या मानू, 100 मानू, इस पर 44% का डिस्काउंट दे दिया, तो एसपी कितना हो जाएगा भाई, 56 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 56 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 87,500 दे रखी, 56 की वैल्यू जो दे रखी है वो आपकी 87,500 दे रखी है, 100 की हमें निकालनी है। कट करते हैं ये आपका 57,56 कितने पे चला जाएगा, 14 से कट हो रहा है भाई, 14 से कट करके देख रहा हूँ मैं एक बार इसको, ये आपका 7 से कट कर, 7 7 से कट कर रहा हूँ पहले, 7 8 56, और 7 से कट करो, 7 1 7 17 7 2 14, और 3 5 7 5 35। ठीक है, 8 से कट करूँ डायरेक्ट, 8 से कट कर रहा हूँ भाई, 8 8 1 8 4 5 8 5 40, 5 0, और ये कितना हो जाएगा, 5 0, 8 6 48, 2 0, 8 2 16.5। ठीक है, ये आ जाएगा, एक की वैल्यू अगर ये है तो 100 की निकालनी, तो 100 की हम निकालेंगे तो इसके साथ हम 100 की मल्टीपल कर देंगे, और कितना आ जाएगा, 15 625 तो आ जाएगा, और साथ में 0 और लग जाएगा, ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, बोला कि ए बी सी जो है वो 3 पॉइंट है, ए बी इतना है, बी सी इतना है, ए सी इतना है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, और सर्कल पासिस कर रहे हैं सॉरी पॉइंट ए बी सी से। ओके भाई, एक पॉइंट दे रखे हैं आपके पास कि ए से लेकर बी तक आपके पास 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, राइट, और बी से लेकर सी तक जो है वो 11 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, और ए से लेकर सी तक जो है वो कितनी दे रखी, 20 दे रखी है। अगर आप इन दोनों को मैच करोगे तो इन दोनों का प्लस जो हो जाएगा वो 20 आ जाएगा, तो इसका मतलब बी जो है इसी पॉइंट पर कहीं ना कहीं है, कहाँ पर, 9 9 की डिस्टेंस है, तो इसको मैं 20 मान लेता हूँ। नीचे बोला कि हमें एक ऐसा सर्कल चाहिए, हमें एक ऐसा सर्कल चाहिए जो इन तीनों पॉइंटों से निकल जाए। देखो ये क्या है, एक सीधी लाइन से जा रहा है, राइट, ये तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन पर है, और ये कौन से कितने, ये जो सारे पॉइंट हो जाएंगे कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे आपके, और कोलिनियर पॉइंट आपका पता है कि एक सीधी लाइन पर ही पॉइंट होते हैं, तो इससे कोई सर्कल नहीं गुजरने वाला। ठीक है, कोई भी सर्कल नहीं गुजरने वाला एक सीधी लाइन से, कभी भी कोई सर्कल नहीं गुजरता इन तीनों पॉइंट से। ठीक है, मतलब कोलिनियर पॉइंट से कभी भी कोई सर्कल नहीं गुजरता, तो इसका मतलब 0 सर्कल आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो बेसिक सी चीज थी, है तो बहुत सिंपल सी चीज थी। ठीक है, बोला कि एक ग्लास जार है जिसमें कंटेन किया गया 6 व्हाइट को, 8 ब्लैक को, 4 रेड को, 3 ब्लू को। ठीक है, 6 व्हाइट बॉल मार्बल, सॉरी 8 ब्लैक, 4 रेड और 3 जो है वो ब्लू है।
ब्लू को बी एल लिख दिया, ठीक है। बोला कि इफ ए सिंगल मार्बल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द जार, बोला कि इन सभी में से हमने एक मार्बल को निकाला है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी वो ब्लैक होगा या फिर ब्लू होगा। देखो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि आपका ब्लैक, देखो कोई भी चीज़ है, मान लो कोई ए चीज़ है कोई बी चीज़ है और इसके बीच में और आ जाता है, ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी में जो होता है वो आपका क्या होता है, इन दोनों के बीच में प्लस आ जाएगा, राइट, ये चीज़ आप समझ लेना, प्लस आ जाएगा, और मतलब और नीचे जो आ जाएगा वो टोटल आउटकम्स आ जाएंगे, राइट। एक दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और है कि ए और बी जो निकालनी हमें कि और उसके बीच में एंड आ जाता है, एंड उसके बीच में क्या आ जाता है भाई, एंड आ जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई का निशान दे देगा और आपका नीचे टोटल आउटकम आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये देखो सिंपल सी बेसिक सी थ्योरम वगैरह है, तो इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब क्या बोला कि ब्लैक बॉल होनी चाहिए और ब्लू बॉल होनी चाहिए टोटल, तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा 8+3 और नीचे सभी आउटकम 6+8+4+3, ठीक है। और इसको हम कॉम्बिनेशन, इसको जो है हम कॉम्बिनेशंस की हेल्प से भी कर सकते थे, कॉम्बिनेशंस की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आपको एग्जाम क्लियर करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, तो इस वजह से मैं आपको सीधा शॉर्टकट ही बता रहा हूँ। तो ये आपका 11 हो जाएगा, ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 10 और 11 कितना हो जाएगा 21, तो 11/21 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि मोड निकालना हमें इसका, क्लास इंटरवल दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो मोड दे रखा है तो आपको मोड निकालना, तो आपको मोड निकालने के लिए सबसे पहले चीज की जरूरत होगी एक चीज जानने की कि मोड जो निकालते हैं वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले में निकालते हैं, जो क्लास इंटरवल होगी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसमें होगी वो आपकी मोड में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 11 है, ठीक है। यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी को देखोगे तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ दिखाई देगी, 11 दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन जो अपना मोड होगा इतना आपको पता चल गया, और जो मोड होगा वो इस क्लास इंटरवल के बीच में होगा, जो अपना मोड होगा वो आपका किसके बीच में होगा, क्लास इंटरवल 25 से 30 के बीच में होगा। तो बस टाइम वेस्ट नहीं करना कि आप कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट करो, तो 25 से 30 के बीच में कौन सा ऑप्शन निकलेगा आपसे, ये वाला निकल जाएगा। आप बेसिक चेक कर सकते हो, ये 30 से बड़ा है तो नहीं आएगा, 30 से बड़ा नहीं आएगा, 30 से बड़ा नहीं आएगा। बाकी अगर आपको कैलकुलेशन ही करनी है तो कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है मोड का, जो क्लास इंटरवल आप ले रहे हो उसकी लोअर लिमिट, उस लोअर लिमिट को मैं एल से डिनोट करूंगा, ठीक है, उस लोअर लिमिट को मैं किससे डिनोट करूंगा, एल से डिनोट करूंगा, प्लस में फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, जो फ्रीक्वेंसी 1 ले देते हैं इसको, ठीक है, इसको मैं फ्रीक्वेंसी 1 ले रहा हूँ, इसको मैं फ्रीक्वेंसी क्या लूंगा 2 लूंगा, इसको मैं फ्रीक्वेंसी क्या लूंगा 2 लूंगा 10 को, क्योंकि ये इससे सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी है, मतलब अगली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है, और इस 9 को जो मैं लेने वाला हूँ वो क्या लेने वाला, फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी नोट का मतलब जो पीछे वाली फ्रीक्वेंसी हमने लेनी है, जो मेन फ्रीक्वेंसी है उससे पीछे वाली, ठीक है। तो बस ये आपका फ्रीक्वेंसी, जो मेन फ्रीक्वेंसी F1 हो जाएगी और आगे वाली F2 हो जाएगी, पीछे वाली F0 हो जाएगी, तो माइनस कर दो क्या, F0 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, और इनटू में कर दो जो फ्रीक्वेंसी की आपकी हाइट है, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, उसको मल्टीप्लाई कर दो एच। कैलकुलेशन करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं आपका, बोला कि इंटरेस्ट निकालना, इंटरेस्ट दे रखा है कंपाउंड हाफ ईयरली का, और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना दे रखा है 20% है एक साल के लिए, आपके पास एक साल के लिए, लेकिन एक साल में आधे आधे साल कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, और तो आधे आधे साल हो गए, एक साल का 20% है, आधा साल का कितना हो जाएगा 10%, तो आधे साल को मैं हाफ ईयर मान लेता हूँ कि एक हाफ ईयर में 10% हो जाएगा और सेकंड हाफ ईयर में आपका कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, ठीक है, 10 10 आ गए।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो यहां पर हम प्रिंसिपल को काउंट करते हैं और इधर हम अमाउंट को काउंट करते हैं 11, सेम 10 11, या आपके फर्स्ट ईयर के लिए, आपका सॉरी फर्स्ट हाफ के लिए, या आपका सेकंड हाफ के लिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो सब दोनों की दोनों साइड, ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 121 हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 100 है और अमाउंट 121 है, तो एसआई के सॉरी जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, राइट। बस कैलकुलेशन हो गया। अगर प्रिंसिपल अपने पास ये है, प्रिंसिपल अपने पास ये है, तो यहाँ अपने अकॉर्डिंग कितनी है, 100 है, तो इसको प्रिंसिपल बना दो कंप्लीट 8000, ठीक है। कितने से मल्टीपल किया होगा भाई, 80 से मल्टीपल किया होगा। तो हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इसका मतलब 21 को हम क्या करेंगे, 80 के साथ मल्टीपल कर देंगे और ये आपका आ जाएगा 1680, 1680 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अगर आपसे अमाउंट पूछे तो आप अमाउंट में सेम लॉजिक लगा दो कि इसको मल्टीपल 80 कर दो और आपका आंसर आ जाएगा अमाउंट का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो बोला कि एक बास्केट है जो 350 अंडे कंटेन कर रही है, उसमें से 12% अंडे जो है वो सड़ गए। तो 12% अंडे सड़ गए तो कितने बचे भाई, 88% बचे आपके पास, ठीक है। हाउ मेनी एग्स आर गुड जो कि बेच सकते हैं। तो भाई 12% सड़ गए और 88% बचे हैं, तो 350 का 88% हमें निकालना है। तो 350 का हमें 88% निकालना है, तो निकाल दो इसको, सोल्व कर दो, 0 से 0 कट, 5 से 2, 5 से 7, 2 से 44, तो 44 गुना 7 कर आप करोगे तो 308 आ जाएगा, 308 आपका राइट आंसर, ठीक है। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं दे रखे, आसानी क्वेश्चन दे रखे, लेकिन एक दो क्वेश्चन ज्यादा है वो टफ दे रखे, टफ भी नहीं उसकी मतलब रीडिंग कैपेसिटी जो होगी वो टफ होगी, और कैलकुलेशन आपके लिए वो सेम ही है। बोला कि एक सर्कल जो है टच कर रहा है चार साइड के क्वाड्रिलेटर को ए बी सी डी, ओके, चारों साइड ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है, उसके अंदर एक सर्कल है जो चारों साइडों को टच करेगा। चलो भाई तो इसके अंदर एक सर्कल होगा, तो समझ जाना ये एक सर्कल है भाई, ठीक है। ए बी जो ए बी सी और डी, और क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ सी डी, ठीक है। ए बी जो है वो 18 है, बी सी जो है वो आपकी 21 है, बी सी जो है वो आपकी 21 है, और ए डी जो है वो 15 है। यहाँ पर ए डी कहाँ है, अच्छा ये है, ओके। तो आप चेक करोगे, देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, अगर आप ए डी 15 ले रहे हो, ए बी 18 ले रहे हो, बी सी जो है वो क्या ले रहे हो, 21 ले रहे हो, और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी या फिर आपने कभी प्रैक्टिस किया होगा कि जब भी कोई पॉइंट होता है तो हम क्या करते हैं, ए बी का सम प्लस डी सी का सम प्लस सॉरी इज इक्वल टू आ जाएगा आगे। ये क्यों आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आराम से बताने वाला हूं। बी सी प्लस ए डी, ये थ्योरम बनी कैसे है, तो आप देखोगे कि जो सर्कल होता है वो लेंथ तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको मतलब मैं डी सॉरी डी नहीं ई मान लेता हूँ, इसको मैं एफ मान लेता हूँ, इसको मैं जी मान लेता हूँ, इसको मैं ई एफ जी एच मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगी वहां पर क्या, यहाँ पर क्या चीज दे रखी है आपकी, ए ई इक्वल टू ए एच हो जाएगा, राइट। डी एच इक्वल टू ये वाली लेंथ इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, डी जी हो जाएगा। सेम ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगी, सी जी इज इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। सेम ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सॉरी 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 बी ई इज इक्वल टू बी एफ हो जाएगा, ओके। ये पॉइंट आपके इक्वल होने वाले हैं, और बस इनको प्लस कर दो, तो प्लस करने पर आपकी ये साइड आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो बस आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है।
तो क्या करना है, ए बी 18 दे रखा है, डी सी डी हमें निकालना है, बी सी कितने दे रखे 21 प्लस में ए डी कितना दे रहा है 15, कैलकुलेट कर दो। सी डी 18 को उधर भेजोगे तो 21 प्लस, या फिर 18 को 21 में से माइनस कर दो 3 आ जाएगा, 3 प्लस 15 कितना आ जाएगा 18, 18 आपका राइट आंसर देखेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। देखो क्या निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है लार्जेस्ट स्फीयर का, वॉल्यूम जो निकालना है वो लार्जेस्ट स्फीयर का निकालना है, जो कि किसके अंदर, एक क्यूब के अंदर जिसकी साइड 21 है, राइट। तो मान लेते हैं 2D का यूज करके हम 3D में समझेंगे थोड़ा। मान लो ये क्यूब है, ये क्या क्यूब है, एक मिनट, क्यूब की सारी साइडें जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। मान लो ये क्या है, क्यूब है, देखो, और इसकी जो साइड है वो 21 है, ठीक है, इसकी जो साइड होगी वो 21 21 21 सारी साइडें क्या होंगी, 21 लेंथ ब्रेथ हाइट, ये तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, जो कि 21 के बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको हम साइड से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक स्फेयर काउंटर, स्फेयर को जोड़ा गया, स्फेयर को लाया गया है जो इसको टच कर रहा है सभी चीजों से, मतलब इसमें एक स्फेयर हमने फंसा दिया, ठीक है, क्यूब के अंदर एक स्फेयर फंसा दिया, जिसका डायमीटर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, साइड ऑफ क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा, और रेडियस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। बस इसका वॉल्यूम निकालना है स्फेयर का, और वो आपको पता होगा वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ होता है, ठीक है। ओके, तो r³ होता है, ठीक है। तो मैं देखो आपके पास एक चीज बताने वाला हूं आपको, कि ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना, हमने ज्यादा कैलकुलेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो क्या करोगे आप, देखो 11 का रूल लगाओ, क्योंकि 11 पाई जो है वो कितना, 22/7, और यहां से 22 जो है वो 11 × 2 है, 11 × 2 है, ठीक है। तो 11 का मल्टीप्लीकेशन रूल लगाओ, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, क्या कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम और इन दोनों का डिफरेंस हम करेंगे, मतलब पहले अल्टरनेट डिजिट का सम कर लेंगे और उन दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो वो 0 आना चाहिए, फिर 11 आना चाहिए, चेक करो, 3 और 5 8, 8 और 1 9, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 1 आ रहा, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। 6 और 5 11, 8 और 8 16, 11 में 16 और 11 का डिफरेंस चेक करोगे तो 5 है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। अपना आना चाहिए कितना, 0 या फिर 11 के मल्टीपल होना चाहिए, 22 23 ऐसे, ठीक है। 4 और 5 9, 8 और 5 8 और 1 9, मतलब 9 को 9 से डिफरेंस करोगे तो 0 आ रहा, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट दिखाई दे रहा है 11 के मल्टीपल में, 11 का डिविजिबल में, ठीक है। 5 और 2 7 8 और 1 9, तो डिफरेंस कितना रहा है यहाँ पर, 2, मतलब यहाँ पर डिफरेंस 2 है, यहाँ पर कितना था भाई, 6 और 5 11 और 16 5 था, और यहाँ पर कितना है आपके पास, 1 था। तो जहां पर 0 11 22 ये दिखाई देना वो आपका राइट आंसर है, तो ये आपका राइट आंसर दे दिया, बिना कैलकुलेशन किए बिना पेन को भी उठाए हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको फॉर्मूले यूज करें, रेडियस आपके पास दे रखी है, पाई की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं आपका, बोला कि एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो सिंपल सी चीज है, 16 से 81 किसका है। देखो अगर हमें पता भी नहीं होता तो सिंपल सी चीज आप यूज कर सकते हो, क्या कि जो 16 से 81 मान लो किसका स्क्वायर रूट है ये पता लगाना है, तो आप देखोगे 40 का, पहले 40 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 1600, तो इसका मतलब ये बड़ा है, और एक को चेक करने के लिए ये तो क्या होगा, 1 या फिर 9 होना चाहिए, और मतलब या तो 41 का होगा या फिर 49 का होगा, 49 का है तो 50 का नजदीक चेक करो, 50 का स्क्वायर चेक करो तो 2500, तो अब ये चेक करो किसके नजदीक है, तो ये 1600 के नजदीक है, इसका मतलब 40 के नजदीक कौन आएगा, 41 आएगा, तो इसका मतलब ये जो है 41 का स्क्वायर है रूट है, ठीक है, तो यहाँ पर 41 आ जाएगा, 8 + 41 ये आपका 49 बना देगा, और यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है, 49 जो होगा 7 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, सोल्व करना है इसी एक्सप्रेशन को, सिंपल सी दे रखी है,
तो 25 माइनस 25 जीरो, ठीक है, इन दोनों का सम जो 25 होगा, ये प्लस का 25 है और ये माइनस का है, तो जीरो हो जाएगा यहाँ। 56 माइनस जीरो 56 हो जाएगा, इतना कैलकुलेशन हमने कर चुके हैं, ठीक है, राइट। 40 माइनस 56, 40 माइनस 56 कितना होता है, माइनस 16 होता है, माइनस 16 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 16 कर दो 46। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बस बोर्ड मास का यूज करना। अब यहाँ बोर्ड मास तो है ही नहीं, यहाँ पर ब्रैकेट का सोल्व, ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है, जो मतलब जो पहले ब्रैकेट होगी, अंदर ब्रैकेट होगी, छोटी ब्रैकेट होगी, उसको सोल्व करना आपने, ठीक है। बोला कि रेशियो ऑफ इनकम, रेशियो ऑफ इनकम दे रखी है किसी दो एम्प्लॉय की इतना, ओके, और रेशियो ऑफ डेली एक्सपेंडिचर इतना, ओके, और बोलते हैं कि दोनों सेव करते हैं, दोनों ईच ऑफ देम मैनेज करते हैं और सेव करते हैं 4800 रुपये पर मंथ, मतलब दोनों का जो सेविंग पॉइंट है वो 1:1 है, ओके, सेविंग सेविंग जो है वो 1:1, रेशियो में डायरेक्ट ले रहा हूँ मैं, मतलब इनकम हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। मान लो क्या इनकम जो होती है, इनकम जो होती है वो आपका क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सेविंग जो हो जाएगी वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगी, तो ये आपका 7 दे रखा और ये आपका 4, ये आपका 3 दे रखा, ये आपका 1 दे रखी है, ठीक है, तो सेविंग यहाँ पर जो हो जाएगी वो 4 आ जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3, और हमें चाहिए सेविंग इक्वल 1:1 में, तो इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर आपके समझाने के लिए। इसको मैं 3 से मल्टीपल कर दूंगा, इसको मैं 4 से मल्टीपल कर दूंगा, जैसे मैंने इसको सोल्व किया तो ये 12 दे देगा, ये भी 12 दे देगा, समझ गए, यहाँ पर 1:1 या फिर 12 इक्वल टू 12 भी आ जाएगा, तो हमें ये मल्टीपल 3 इसी इसी में नहीं करना, कंप्लीट में करना है, पूरे में करना है, पूरे में करेंगे तो इसके साथ भी 3 मल्टीपल करेंगे, इसके साथ 4 मल्टीपल करेंगे, क्योंकि इस साइड 4 है, इस साइड 3 है, तो 3 मल्टीपल करेंगे, इस साइड 4 है तो 4 मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ से एक नया इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग निकल कर आएगा, जो कितना दे रहा है, इनकम कितनी दे रहा है भाई, 7 गुना 3 21 हो जाएगा, और इधर 4 गुना 4 16 हो जाएगा, ठीक है, इधर 3 गुना 3 9 हो जाएगा, इधर 1 गुना 4 4 हो जाएगा, इनका डिफरेंस निकालोगे तो 12:12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी चीज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, तो दोनों की सेविंग बराबर है, तो इसका मतलब 12:12 अपना बराबर आ गया, तो और इस 12 की वैल्यू, इस 12 की वैल्यू या फिर इस 12 की वैल्यू, दोनों की सेविंग सेम है, तो दोनों की मतलब प्लस नहीं करना, मतलब ये अलग अलग है, ठीक है, और है बीच में अलग अलग है, ठीक है, कोई से 12 की वैल्यू आप 4800 मान लो, ठीक है, 4800 मान लो, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर 400 से मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है, तो सम ऑफ देयर मंथली इनकम, सम ऑफ मंथली इनकम करना, तो सम ऑफ मंथली इनकम आप चेक करोगे कौन सा हो जाएगा, दोनों की सम कितना है, 21 प्लस 16, 21 प्लस 16 कर दो, 21 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 7, और आपका ये 3 37, तो 37 गुना 400 आपको करना है, और आपका राइट आंसर दे देगा, सॉरी 008, और ये 4 3 12 और 2 14, ये अपना आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, कहाँ गलती हो गई अपने से, तो भाई देखो मेरे ख्याल से शायद इसका आंसर गलत भी हो सकता है मेरा, और शायद ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं, तो इसको मैं चेक करके फिर आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कई बार जो है SSC ऑप्शन सी गलत निकाल देती है, ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर किसी और वीडियो में बताऊंगा, तो अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि टाइम अपना बेकार ना जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 15 क्वेश्चन। बोला कि रेडियस ऑफ स्फीयर डिक्रीज हो जाती है इतना, ठीक है, और परसेंटेज बताना सरफेस एरिया का कितना डिक्रीज हो गया। देखो सिंपल सा है, आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पता होगा कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, यही होता है ना, तो अगर ये आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, तो हमें सिर्फ रेडियस गिवन है, ठीक है, रेडियस गिवन है,
और यहाँ पर रेडियस गिवन, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा दो, हमें आर स्क्वायर से मतलब बस ज्यादा कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। तो 48% इन डिक्रीज हो गए, तो इसका मतलब मैं 48 को फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा, ये आपका 12/25, आई थिंक 12/25, ठीक है भाई, 12/25। तो क्या हुआ, पहले तो 25 था, 12% कम कर दिया, 12 कम कर दिया तो कितना आ गया, 13, 25 था 13 आ गया, तो 625 आपका जो बना वो कितना बना, 169 बना। और इनका डिफरेंस चेक करो, इनका जो डिफरेंस आएगा वो ही आपका कैलकुलेशन में इजी रहेगा, कितना भाई, 6, और 12 में से 6 गए, 11 में से 6 गए 5, और 5 और 1 4, 456 हो गया, ठीक है भाई, 456 है, 625 गुना 100 करना आपने, तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा हिंट लेके, तो 625 को मैं 6 लिख रहा हूँ, 600 बना रहा हूँ, ठीक है, अगर 600 बनाओ तो ये कट हो जाएगा, तो 6 से कट करूँगा, 7 और 3 6, 7 5 6 5 30, ठीक है, ये 36 है, तो आपका क्या आ जाएगा, 75 से कम होगा, क्योंकि नीचे की वैल्यू हमने कम की है, तो वैल्यू भी जो अपना अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आई उससे थोड़ा सा कम होगा, तो 75 से थोड़ा सा कम होगा, ये 75 से ज्यादा ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन करने के लिए अपने आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस 15 क्वेश्चन ही रखते हैं, और अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर 15 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।